और अब मैं शत्रुघ्न सिन्हा के बाद निमंत्रण देता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज के एवरग्रीन मेहमान देव साहब यानी कि सदाबहार हीरो देव आनंद, प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड मिस्टर देव आनंद। थैंक यू। पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही अमिताभ, सवाल कर ले लेकिन जवाब सच्चा ही सही। ओके देवानंद साहब, हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि आपकी ख्वाहिश क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही रोमांटिक सवाल आपने कर दिया है। मेरी ख्वाहिश है मैं हीरो था, मैं हीरो हूँ और मैं हीरो रहूंगा। मेरी आखिरी फिल्म में हीरोइन ऐश्वर्या राय की बेटी ही हो। What a shock! मुझे तो लगता था देव साहब कि आप ऐश्वर्या राय की माँ का नाम लेंगे, मगर आपने तो कमाल कर दिया। भगवान आपकी उम्मीदें पूरी करे। तो हमारे मित्रों को बताइए कि आपके साथ आज इस खेल में कौन आया हुआ है। अमिताभ, मैं महमूद, हम काले है तो क्या हुआ, दिलवाले है, तुम करोड़पति बन गया, हम रोडपति हो गया रे। हेलो महमूद जी। अम्मा आप वही ठीक है, ये तो अपना अपना नसीब है। तो चलिए देव साहब, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ₹20,000 के लिए आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सदाबहार रहने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, भैंस का दूध पीना चाहिए। बी, घास और चने खाने चाहिए। सी, रोज रोज अफेयर्स करने चाहिए। या फिर डी, हर काम सही टाइम पे दिल लगा के करना चाहिए। सोच के जवाब दीजिए देव साहब, कोई जल्दी नहीं है। मेरे ख्याल से डी लॉक कर दीजिए। ये आपका फाइनल जवाब है। फाइनल फाइनल फाइनल। तो लॉक कर दूं? या ओके कंप्यूटर, प्लीज लॉक डी। सदाबहार रहने के लिए हर काम दिल लगा के करना चाहिए, प्लीज लॉक डी। और देव साहब, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, आप ₹20,000 जीत गए। वेल डन, बहुत खूब देवानंद साहब। तो ₹40,000 के लिए आपका दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। शादी के लिए लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए। ए 16 साल, बी 18 साल, सी 30 साल, या फिर डी 40 साल। पूरा वक्त लीजिए देवानंद साहब, कोई जल्दी नहीं है। बहुत ही हसीन सवाल आपने पूछा है। शादी के लिए 16 साल ही सही है, अगर मुझे 8-8 साल की दो मिले तो भी चलेगी। What an intelligent answer। तो देव साहब, आपका ये फाइनल जवाब है। जी हाँ। लॉक कर दो? जी हाँ। श्योर? श्योर। ठीक है कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक ए 16 साल। देव साहब, आपने लफड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार लड़की की उम्र 18 साल ही योग्य है, लेकिन आपका जवाब सिर्फ 16 साल, मतलब 2 साल आप कम रहे, और ये जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। आपको मैं सिर्फ ₹20,000 दे सकूंगा। तो दोस्तों, देव साहब ने इस खेल में भाग लिया केबीसी की ओर से, आप इनको बधाई दे प्लीज। 20,000 का ये चेक आपको देते हुए मैं आपको बधाई देता हूं और आपको जाने की अनुमति देता हूं। दोस्तों प्लीज देवानंद साहब जाइए, धन्यवाद। आपने जैसे देखा दोस्तों, देव साहब सिर्फ ₹20,000 यहां से जीत सके। तो अब मैं निमंत्रण देता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज के एक मशहूर, एक होनहार, एक जबरदस्त कलाकार संजीव कुमार को। तो प्लीज वेलकम संजीव कुमार। आइए हरि भाई, हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि अगर आप इस शो में कुछ रुपए जीत के जाएंगे तो उस रुपए का क्या करेंगे।
मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जो भी रकम यहाँ से मुझे मिलेगी वो सारे पैसे मैं शहीद जवानों के परिवारों के फंड में डोनेट करवा दूंगा। वेरी गुड, बहुत नेक ख्याल है संजीव कुमार आपके, और आपके इस नेक ख्याल की कदर करते हुए केबीसी भी आपको सिर्फ 3 सवाल पूछेगा, और पहला सवाल आपको 25 लाख रुपए जितवाएगा, दूसरा सवाल आपको 50 लाख रुपए जितवाएगा, और तीसरा सवाल आपको 1 करोड़ रुपए जितवाएगा संजीव कुमार। तो आइए हमारा खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। पच्चीस लाख रुपए के लिए आपका ये सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी पत्नी अगर आपसे रूठ जाए तो आप इनमें से क्या करेंगे? ए, साली को बुलाएंगे, बी, दूसरी कामवाली रखेंगे, सी, पड़ोसन के साथ बातचीत बढ़ाएंगे, या फिर डी, संन्यास ले लेंगे। पूरा वक्त लीजिए, कोई जल्दी नहीं है संजीव जी। भैया मेरी शादी हुई नहीं है तो साली का सवाल ही नहीं है, और घर में अकेला रहता हूँ तो काम वाली तो आती ही नहीं है। रही बात पड़ोसन की, तो सारी पड़ोसन बारियाँ बंद रखती है, वैसे मेरी जिंदगी सन्यासी जैसी है। गॉड, आपका ये जवाब तो ठीक है, लेकिन आप सोच लीजिए 25 लाख रुपए आपको जितवाएगा। आपके पास अभी 3 जीवन धाराएं उपलब्ध है, आप चाहे तो किसी दोस्त से फोन कर सकते हैं, आप चाहे तो इन चारों में से 50-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑडियंस पोल का उपयोग कर सकते हैं। मैं जनता की राय लेना चाहता हूँ। ओके, बहुत खूब, तो ऑडियंस, संजीव कुमार को आपकी सहायता की जरूरत है, अपने अपने वोटिंग पैड्स अपने पास रखिए, और जब मैं आपको इशारा करूं तब आप अपना वोटिंग पैड दबाइए। आपका समय शुरू होता है अब। ओहो हरी भाई, जनता ने मरवा दिया आपको, क्योंकि 25% लोगों ने कहा है साली को बुलाएंगे, 25% कहते हैं दूसरी कामवाली रखेंगे, 25% कहते हैं पड़ोसन से बातचीत बढ़ाएंगे, और 25% कहते हैं संन्यास ले लेंगे। इंटरेस्टिंग, तो क्या संजीव कुमार आप जनता के साथ जाना चाहेंगे? इतने सारे पुरुषों के अनुभव को मैं कैसे ठुकराऊं? लोग ABCD। ओके कंप्यूटर, तो प्लीज लॉक ABCD। ये जवाब बिल्कुल सही है, आप 25 लाख रुपए जीत गए। आपका दूसरा सवाल आपको 50 लाख रुपए जितवाएगा। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ताजमहल किसका प्रतीक है? ए, प्यार का, बी, पैसे का, सी, कंस्ट्रक्शन का, या फिर डी, शहंशाही का। पूरा वक्त लीजिए संजीव कुमार, कोई जल्दी नहीं है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ए, प्यार। तो कंप्यूटर प्लीज लॉक ए। और संजीव कुमार आपका ये जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल सही है, आप 50 लाख रुपए जीत गए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अब 1 करोड़ रुपए के मकाम पे आप खड़े हैं, और 1 करोड़ रुपए का ये सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आखिरी सांस लेते समय क्या बोले थे? ए, सीताराम, बी, राम राम, सी, हरिओम, या फिर डी, हे राम। सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, पूरा वक्त लीजिए। यह सवाल तो बहुत मुश्किल है अमित,
मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, फोन ए फ्रेंड, दादा मुनि को फोन लगाया है। ओके कंप्यूटर जी, संजीव कुमार फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन का उपयोग करना चाहते हैं, तो प्लीज दादा मुनि को फोन लगाओ, यानी कि अशोक कुमार को फोन लगाया जाए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है इतनी जोर से? अरे अशोक कुमार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? मुझे पता चल गया, इतनी जोर के साथ तुम ही बोल सकते हो, क्या काम है? क्या कर रहे हैं दादा मुनि जी आप? मैं दवाइयां लेके शांति से सो रहा था, खाम खाम तुमने मुझे जगा दिया। अरे अशोक कुमार जी, ये शांति कौन है? अरे भाई, शांति मन की है, कोई औरत नहीं है। तुम वैसे के वैसे ही हो लंबू, अभी तक सुधरे नहीं। ओके ओके दादा मुनि जी, मेरे सामने बैठे हैं संजीव कुमार और वो एक जगह आके फंस गए हैं। वो हमेशा फंस ही जाता है। ये भी सही है, और ये जवाब उसको 1 करोड़ रुपए जितवाएगा। ये रहा आपका सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आखिरी सांस लेते समय क्या बोले थे? ए सीताराम, बी राम राम, सी हरिओम, या फिर डी हे राम? अरे अमित, पूज्य गांधी जी ने ये शब्द इसलिए निकाले होंगे कि आज़ादी के बाद ये देश का जो बुरा हाल है वो हम आत्म अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये शब्द उनके दिल की आवाज़ है कि हे राम, मेरे देश की रक्षा करना, इसलिए बी लॉक करो। ओके संजीव कुमार, तो क्या आप दादा मुनि के साथ जाना चाहेंगे? उसे क्या पूछते हो, ये प्रश्न समझने के लिए संजीव बहुत छोटा है, तुम डी लॉक करो। ओके दादा मुनि जी, तो संजीव कुमार 1 करोड़ के लिए डी को लॉक करना चाहते हैं। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी। और ये जवाब बिल्कुल सही है, कांग्रेचुलेशंस संजीव कुमार, वेल डन, सुभान अल्लाह। शहीद जवानों के परिवारों के लिए 1 करोड़ का डोनेशन चेक देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ओह माय गॉड, मैं अमिताभ बच्चन केबीसी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, गुड लक। ओहो, समय समाप्ति की घोषणा। संजीव कुमार 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, और आप सबने हमें देखा, सुना, पसंद किया, इसीलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट। कृपया आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारी दूसरी कैसेट का इंतजार कीजिएगा। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।